ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਬੂਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੀਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਡਾਕਟਰ ਤਜ਼ੀਨ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ मोहतरम मेहमानाने गरामी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तज़ीन गुल है मैं पेशावर यूनिवर्सिटी चिनार कॉलेज पढ़ानी हाँ गंधारा हिंदको बोर्ड की तरफ से जी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क अरेंज की गई पंजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उस मैंने भी अपना मकाला पढ़ाया उसका मौजू आया के पी के तानीसी अकदार की तब्दीली मैंने अपने इस मकाले में त्रै हिस्से तकसीम किया है पहले हिस्से के मैंने साढ़े सूबे के खवातीन के हवाले न जी अकदार जी खवातीन ने जरा मकाम दिता जाता है उसके हवाले गल की गुवान मुआशरे के खवातीन के अहमियत दी जाती है उससे गल उसी बात मैंने बताया कि साड़ी खवातीन गुवान खवातीन केड़े केड़े जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे उन्होंने अहम कारनामे सर अंजाम दिए उसी बाद तीसरे हिस्से के मैंने हिंदको जबान की जी साहिब दीवान शायरात आई उन्होंने कलाम उत्ते मुख्तसर तबसरा किया उन्होंने कलाम पेश किया अंदाजा सामू नहीं आया कि न्यूयॉर्क असं जा सी तो कॉन्फ्रेंस की जी रहसी लोग रिस्पांस दे सुन न दे सुन की हो सी के ना हो सी एक उम्मीद लैके गए हैं क्योंकि कहने से आता है कि बाहर के मुल्क लोगों को टाइम नहीं होता वक्त की कमी होती है लोग अपने छुट्टी का दिन होता वे तो अपने कामों के उन्होंने पूरा कर दें लेकिन जो तो असं न्यूयॉर्क गए तो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आहिस्ता आहिस्ता मेहमान इकट्ठे होने शुरू हुए तो सानू ये जान के बड़ी खुशी हुई कि सिर्फ न्यूयॉर्क के नहीं बल्कि अमरीका की दूसरी रियासतों के भी मुख्तलिफ हिंदकोवान जे बड़े शौक न पहुंचे हुए इधर तो कोई कैनेडा से भी मेहमान आए हुए अच्छा बड़ी मजे की दिलचस्प गल ये कि साढ़े प्रोग्राम तकरीबन 10 बजे शुरू हुए तो रात को 11 बजे तक तो चला लेकिन जिस तंजीम के नाल जिस डिसिप्लिन के नाल साढ़े मेहमान आए उन्होंने बैठ के सानू सुना साढ़े ते सवाल किए अपनी राय का इजहार किया दिलचस्पी लिखी तो जिस जज्बे के नाल उन्होंने सारी कॉन्फ्रेंस से सारी एक्टिविटीज अटेंड की मनु उसी देख के मनो देख के बड़ी खुशी हुई कि साढ़े किशोरी चाहे जिधर भी हो लेकिन अपनी जुबान की खातर वो पहुँचते हैं उस मैं जो अपना अपना मैंने अपना आर्टिकल पढ़ा उस मोहतरमा शीरी शीरी नाम उन्होंने मैं पूरा याद नहीं आता उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के बीच काम किया हुए है तो मैंने उन्होंने जिक्र किया थोड़ी देर बाद एक खातून मेरे को आए बड़े डॉक्टर है उन्होंने कहा जी तुमने इस तरह उन्होंने नाम लिखा है तो मैं उन्होंने बेटी हाँ मतलब तकरीबन 65+ हो है लेकिन उन्होंने तो गल की कहने जो तुमने अपने पाकिस्तान मूवमेंट की खवातीन के नाम लिखे हो तो मेरे दिमाग में सारी वो रील चली है कि किस तरह मेरी अम्मी की पाकिस्तान मूवमेंट हिस्सा लेने वाली सहेलियाँ आदि हैं तो मिलकर बैठ के गल कर बाहर आल उन्होंने क्या तुमने मनु अपना माजी याद दिला दिता है मुख्तसर ने कि पिशोरिया ने बड़े भरपूर अंदाज उस तकरीब में शिरकत की उस बहुत साड़ी हौसला अफजाई हुई तो मैं जुबान के हवाले न बड़ा प्राउड फील करनी हूँ मैं बड़ा फख्र महसूस होता है कि साड़ी जुबान में इतनी मुहब्बत करने वाले लोग मिले अलबत्त एक शह जी जिसका मैं बड़ा अफसोस होया कि साढ़े सामने जितनी गैदरिंग गई तकरीबन लोग गए उन्होंने अक्सरीयत जी गई वह 50+ या 60 या 70+ गई जवान उन्हें न होने के बराबर है बल्कि बहुत कम है तो जे आए भी तो उर्दू पर बोलते हैं कहने का मकसद ये है कि जो तो साड़ी नौजवान नस्ल जी है हिंदकोवाना की वो सामने नहीं आती वो मैदान नहीं लेंगे तो जुबान की तरक्की मतलब असी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं हो सकते हैं
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਰਦੂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪੱਕੀ ਹਿੰਦਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸਾਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਕੋ ਲੈ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਕੱਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਕਾ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੈਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪੈਨਲ ਜੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਸਾਂ ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਸਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲੂਬਾ ਨਤਾਇਜ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ